अरे सिंचन यार कहाँ पे चले गए तुम? बस यार समझ में नहीं आ रहा है, ये सिंचन काउंटी करने चला कहाँ गया? अबे थोड़ी देर पहले मैं सिंचन और जॉब गाइस मिलकर हाइड एंड सी खेल रहे थे, यानी छुपन छुपाई, और फिर थोड़ी देर बाद सिंचन की बारी आई और वो काउंटिंग करने के लिए गया, और आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और वो कहीं मिल नहीं रहा है। क्या यार चॉप क्या करे अब? बकलुए यार मैं तो बोल रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, कहाँ गया ये? अरे हाँ यार चॉप तो सही बोल रहा है, मैं तो पूरा घर देखा यार, घर में तो नहीं मिला। अब गाइस एक ही तरीका है, सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, चेक करो चेक करते हैं। देखो गाइस ये रहा सिंचन, और सिंचन तो काउंटिंग कर रहा है गाइस ठीक से। बकलुए यार ये तो काउंटिंग कर रहा है, अचानक गया कहाँ फिर? ओ बाप रे गाइस ये क्या, ये औरत तो आसमान से उतर के आ रही है, ये तो कोई परी हो नहीं सकती। इसके हाथों में तो गाइस कुत्ता था, और यह सिंचन को उठा के किधर लेके गए? अरे चॉप तुमने देखा? बकलवे हाँ भाई ये कौन थी? अरे गाइस ये क्या हुआ, सिंचन तो अपने काउंटिंग कर रहा था, और जैसे वो काउंटिंग करने के बाद रुका, वो वहाँ पे एक लड़की आई, वो भी गाइस बहुत ही डेंजरस नजर आ रही थी, और वो सिंचन को उठा के उड़ गई वहाँ से। मेरे को लगता है गाइस ये कोई चुड़ैल थी, लेकिन ये कौन हो सकता है? कलवे मेरे को तो शक है साइबेरियन डांसिंग लेडी पे, वही हो सकती है, क्योंकि तुझे लास्ट टाइम उसने वार्निंग दी थी कि तुझे छोड़ूंगी नहीं, हो सकता है वही हो। अरे हाँ यार मेरे को भी वही लगता है, लेकिन वो साइबेरियन डांसिंग लेडी तो मुझसे बदला लेना चाहेगी। मैं समझ गया गाइस, अभी यहाँ पे जो एरो तुम देख सकते हो, इधर के साइड पे लेके आई थी साइबेरियन डांसिंग लेडी सेंचन को, और जरूर वो सेंचन को लेके कहीं ऐसी जगह गई है जहाँ पे वो हमें बुलाना चाहती है। तो फिर चॉप जल्दी चलो। कल्लू कहाँ जा रहे हैं ये तो बता। साइबेरियन डांसिंग लेडी ने हम लोग के लिए क्लू छोड़ के गई है, ताकि हम लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे आए, और उसके बाद हम लोग सिंचन को बचाने जाए और साइबेरियन डांसिंग लेडी हम लोग को मार दे। वो बहुत ही तगड़ा प्लान बना के गई है, लेकिन उसे हम लोग सक्सेस करने वाले हैं। कल्लू यार अब कहाँ पे, अब तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा। ये देखो जॉब इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एरो दिखा रहा है इधर के साइड। ओके जल्दी से चलते हैं सामने की तरफ। कल्लू यार तुझे पक्का यकीन तो ये सर्वाइवल डांसिंग लेडी है? हाँ जॉब मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम बोला था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी फ्रैंकलिन, यानी कि वो मुझे ही मारने के लिए सब कर रही है। इतना घना जंगल में कौन अकेला आएगा कल्लू? मेरे को तो लगता है साइबेरियन डांसिंग लेडी सिंचन को भी मार डालेगी, और हमारा काम तो तमाम कर ही देगी बकलवे। अरे यार चॉप तुम ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मेरा वैसे ही दिमाग हिला हुआ है। एक तो गाइस ये इतना ज्यादा खतरनाक एरिया है कि इधर मैं कभी आया ही नहीं हूँ, और इधर मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लग रहा है गाइस कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इधर, इतना ज्यादा अंधेरा और ऊपर से ऐसा रोड, गाइस ये तो सबको डरा के रख देगा। चलो चलो गाइस, वैसे इस रोड के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इधर, तो इधर ही चलना होगा हमें। साइबेरियन डांसिंग लेडी जरूर आसपास में ही है चॉप। बकलवे यार मैं तो बोलता हूँ लौट जाते हैं। अरे कैसे लौट जाए यार चॉप, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमें सिंचन को बचाना है। अरे ये क्या गाइस, ये यहाँ पे क्या कर रहा है ये पेड़? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, ये तो हमारी गाड़ी से भी नहीं हिल रहा है। अरे यार ये दोनों तरफ तो पत्थर ही लगे हुए हैं, और ये बीच में पेड़ कहाँ से गिर गया है? अरे यार इसका मतलब हम लोग को अब इसके आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो इसके साइड में आ नहीं पाएगी। ओहो अबे तो हम लोग को इस पैदल ही यहाँ से जाना पड़ेगा, इधर से छोटा मोटा रास्ता तो इतनी भी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। चलो चॉप पैदल चलना पड़ेगा इसके आगे हम लोगों को। कल्लू यार चल भाई पैदल तो जाऊँगा, लेकिन दूर दूर रहूँगा तेरे से मैं। ठीक है यार चॉप तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन मैं उस साइबेरियन डांसिंग लेडी को छोड़ूंगा नहीं अगर मिल गई तो। कल्लू यार मेरे को लगता है साइबेरियन डांसिंग लेडी का यह चाल हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो चॉप, इस बार तुम सही पकड़े हो, क्योंकि साइबेरियन डांसिंग लेडी सिंचन को इसलिए उठा के ले गई है कि मैं उसे ढूंढते ढूंढते आऊं, और वो साइबेरियन डांसिंग लेडी मुझे मार दे और सिंचन को भी मार दे, साथ ही साथ तुमको भी चॉप। बकलवे यार मुझे क्यों मारने की वो? एक सेकेंड गाइस, वो सामने की तरफ वो क्या नजर आ रहा है मुझे? ओ माय गॉड, अरे यार ये तो साइबेरियन डांसिंग लेडी है गाइस, और ये तो यहाँ पे सिंचन भी है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये हो सकता है सिंचन को मारने वाली है। अरे गाइस ये क्या करूँ मैं, क्या मैं इसके ऊपर गोली तो चला सकता नहीं, क्योंकि साइबेरियन डांसिंग लेडी को कुछ होता ही नहीं है। जल्दी से चलना पड़ेगा,
ये कहा है सिंचन को मारना दे। अरे यार अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस गया मैं। कलवे यार मैं तो बोलता हूँ साइबेरियन डांसिंग लड़की को गोली मार। अरे गोली तो मार दी यार चौप। अरे एक और मारता हूँ। अरे ये क्या, इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अब मैं क्या करूँ। देख कलवे अगर सिंचन को बचाना है तो हम में से किसी एक को तो अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। ये क्या बात कर रहे हो यार चौप, ऐसे कैसे। तुझे तो पता है कलवे, साइबेरियन डांसिंग लेडी के सामने जाते ही वो उसे काबू में कर लेगी, और जब तक वो मुझे काबू में करेगी तू पीछे से आके साइबेरियन डांसिंग लेडी को पकड़ लेना, और फिर हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे यार लेकिन इसमें खतरा है चौप, तुझे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्योंकि सिंचन मेरा भाई नहीं हुआ तो क्या, सिंचन मेरा एक भाई से बढ़ के ख्याल रखता है। साइबेरियन डांसिंग लेडी ये देखो, मैं तुमसे लड़ने के लिए खुद आया हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मुझे काबू में करके दिखाओ। अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चौप, इतनी बड़ी गड़बड़ मत करो, यहाँ से भाग जाओ, ये साइबेरियन डांसिंग लेडी बहुत खतरनाक है। ठीक है अगर ये खतरनाक है तो ये ले साइबेरियन डांसिंग लेडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे इससे तो कुछ भी नहीं होता है, अब मैं बताता हूँ साइबेरियन डांसिंग लेडी ये ले साइबेरियन डांसिंग लेडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, काट लूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे ये क्या साइबेरियन डांसिंग लेडी, ये तो ऐसे ही मर गई, बस मैंने इसे काट के लिया इतने में तो ये मर ही गए। कोई बात नहीं सिंचन, ये देखो मैंने इसे मार दिया। अरे हाँ ये तो सही बात है यार, तुमने तो उसको मार दिया। अरे गाइस ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये साइबेरियन डांसिंग लेडी मर गई। यार चौप ने तो कमाल ही कर दिया, चौप ने उसे काट के उसको मार डाला। वाह यार चौप तुमने तो कमाल ही कर दिया। कलवे यार हमारा प्लान से पहले ही काम हो गया, ये तो बढ़िया है ना। अरे हाँ यार कौन सा प्लान था तुम्हारा। ये तुम्हारा प्लान नहीं, ये साइबेरियन डांसिंग लेडी का प्लान था, तुम लोग उसमें फंस ही गए। ये किसकी आवाज है, एक सेकेंड। अरे ये क्या, ये तो साइबेरियन डांसिंग लेडी है, ये वापस कैसे जिंदा हो गई। मैं मरी ही कब थी, मुझे पता था तू यहाँ जरूर आएगा, और इस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ये क्या कर दिया साइबेरियन डांसिंग लेडी तुमने, ये क्या गाइस, ये तो साइबेरियन डांसिंग लेडी ने चौप को क्या कर दिया, इसके अंदर से तो आग जल लिया है। साइबेरियन डांसिंग लेडी है तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो। मुझे तुम मारोगे, तुम मुझे नहीं मार सकते, और रही बात तुम्हारी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अरे बाप रे गाइस मेरे को लगता है कि इससे अब चौप बचने नहीं वाला है। अरे गाइस अब क्या करूं मैं, इसे कैसे मारूं साइबेरियन डांसिंग लेडी को। फ्रैंकल भैया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है आग, और इसकी ताकत भी आग ही है, अगर इसे आग से जलाओगे तो मर जाएगी। ठीक है अब तुम बचोगे नहीं साइबेरियन डांसिंग लेडी। उससे पहले मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, अब तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। अरे गाइस साइबेरियन डांसिंग लेडी तो हमारे पीछे ही आ रही है, बस ये एक बार मेरे पीछे से हट जाए। चलो गाइस ये साइबेरियन डांसिंग लेडी सिंचन का पीछे जा रही है, चलो गाइस जल्दी से इसके पीछे जाता हूँ, जल्दी से धीरे धीरे। अरे ये तो आगे ही निकल गई, बस इसको जल्दी से भी आगे से जलाना होगा। अरे ये कहाँ पे निकल गई गाइस, ये वहाँ से आ रही है, ये रहा साइबेरियन डांसिंग लेडी। अरे बच गई, वापस से बच गई। वो देखो सिंचन उतना दूर जा चुका है, अबे सिंचन दूर गया है तो मेरा काम आसान हो गया गाइस, अबे साइबेरियन डांसिंग लेडी को मारने के लिए। ये लो। अरे कहाँ भाग के जा रहे हो साइबेरियन डांसिंग लेडी, तुम बचोगी नहीं मेरे से। फिर से बच गई। अरे यार ये साइबेरियन डांसिंग लेडी बच कैसे जा रही है मुझसे, अभी मैं इसको छोड़ने नहीं वाला हूँ, कहाँ भाग के जाओगी साइबेरियन डांसिंग लेडी। अरे गाइस इसको फ्रिज कर देता हूँ, ये रहा मेरा फ्रिज करने वाला गन, क्या हो गया गाइस, अभी मैंने अपने फ्रिज करने वाले बंदूक से इसको गोली मार दिया और अब ये फ्रिज हो गई है। ये क्या किया है तुमने, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसका पहले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साइबेरियन डांसिंग लेडी, तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी है आग, और ये लो अब मैं तुम्हें आग से जला के मार डालूंगा। नहीं ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, बचाओ कोई बचाओ, मैं आग से बाहर जाऊंगी। अरे गाइस हो गया काम, हो गया, लगता है साइबेरियन डांसिंग लेडी जल गए, लेकिन इतने जल्दी में मार नहीं मानने वाले हैं, साइबेरियन डांसिंग लेडी का आग बुझने वाला है, यहाँ पे और आग लगा देता हूँ। चलो गाइस साइबेरियन डांसिंग लेडी का खेल खत्म, अबे साइबेरियन डांसिंग लेडी को मैंने मार दिया, लेकिन इस चौप को आग जल्दी से बुझाना होगा।
चलो 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 जल्दी बुझ जाओ चॉप। गाइस चॉप का आग तो बुझ गया लेकिन चॉप अजीब सी स्टैचू में कन्वर्ट हो चुका है। अरे यार फेके भैया तुम चिंता मत करो, चॉप ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे यार, अब तो सब कुछ खत्म, चॉप तो गाइस अब मर गया। फ्रैंकली भैया ऐसा मत समझो कि चॉप मर गया, चॉप ठीक हो सकता है, ये सब साइबेरियन डांसिंग लेडी का जादू है, जैसे वो हटेगा वो ठीक हो जाएगा। शायद ऐसा हो सके तो बढ़िया ही होगा गाइस, क्योंकि चॉप अगर नहीं रहा तो हम लोग कैसे रहेंगे चॉप के बिना। गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है चॉप के साथ। अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना गाइस। मिलते हैं, बाय बाय।